स्टडिंग द मटेरियल दैट इज रेयरली टेस्टेड ऑन एमडी कैट, वो उन चीजों को पढ़ते रहते हैं जो कि रेयरली एमडी कैट में आती है। कई दफा कुछ अकेडमीज क्या करती हैं, वो अपने टेस्टों के अंदर बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे देती हैं जस्ट टू गिव देम द चैलेंज। बच्चे कई दफा क्या करते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो चीजें जो कि अनयूजुअल होती हैं, जो कि हमारे एग्जाम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, वो उन चीजों की डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं, वो इधर उधर की किताबों को सर्च करना शुरू कर देते हैं, इंटरनेट से रैंडम इन्फॉर्मेशन को सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। याद रखें कि आपके एमडी कैट के लिए जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड है, वो सारे का सारा आपकी टेक्स्ट बुक के अलावा जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी हमने आपको टॉप लेवल में प्रोवाइड कर दी। फिर भी अगर आपको कोई कमी महसूस होती है, यू आर सपोज टू लेट अस नो थ्रू आवर फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि हम उनको एक कॉन्क्रीट और सॉलिड वे में फिल्टर करके बहुत अच्छे तरीके से हम चीजें आपके सामने लेके आए। सो ओवरऑल अब ये कह लें कि आपने उस मटेरियल को फोकस नहीं करना जो कि इम्तिहान में नहीं आना। मैंने पहले भी आपको बताया है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज।